आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के जीएनपुर कोतवाली के ग्राम सभा रसूलपुर कोठिया के प्रधान पुत्र ने ग्राम सभा के विकास कार्यों की जांच के दौरान गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए जीएनपुर कोतवाली में तहरीर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की सोमवार शाम को खंड विकास अधिकारी अजबतगढ़ संतोष कुमार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ जांच कर रहे थे। इसी बीच गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए और उक्त लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि गांव में विकास कार्यों की जांच के लिए टीम गई थी, वहां दो पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई थी। एक पक्ष की तरफ से जीएनपुर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कल थाना जीएनपुर के ग्राम रसूलपुर में विकास कार्य के जांच हेतु एक टीम गई हुई थी। वहां जांच के दौरान दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसमें एक पक्ष की तरफ से थाने पर दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 307/22, धारा 34, 323, 504, 506 IPC व 310 SC/ST एक्ट व 325 का SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी श्री संजय पुत्र छट्टू निवासी रसूलपुर है। इसमें अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित करके पाबंद भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था का है। सर, लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का कारण की जांच की जा रही है। मेन कारण विकास कार्यों की जांच के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना पाया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।